प्रियव्रत जी ने एक बार विचार किया कि लोग सो करके तमाम समय खराब कर देते हैं, ये रात्रि बेकार है। तो इन्होंने क्या किया कि दूसरे सूर्य की तरह एक बड़ा तेजस्वी तेजोमय रथ लिया, रथ में बैठे और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगे। तो वो सुमेरु की परिक्रमा करने लग गए। तो सुमेरु के सूर्य उस तरफ रहता है, ये इस तरफ, माने उधर सूर्य प्रकाश कर रहा है और जिस भाग में अंधेरा है उधर ये उजाला करने लग गए। तो रात होना बंद हो गई, रात होना बंद हो गई तो लोगों को विश्राम नहीं मिले, लोग परेशान हो गए। अब जब लोग परेशान हो गए, सब ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने देखा, रही तो प्रियव्रत के द्वारा हो रहा है। उन्होंने आके प्रियव्रत को रोका, बेटा ये क्या कर रहे हो? बोले मैं रात को समाप्त कर रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, भगवान की बनाई हुई सृष्टि में कुछ भी खराब नहीं है, कुछ भी बेकार नहीं है, सबकी अपनी उपयोगिता है, रात्रि की अपनी उपयोगिता है, दिन की अपनी उपयोगिता है। फिर प्रियव्रत जी मान गए। भगवान ने सृष्टि को इतने विचार पूर्वक विवेक पूर्वक सब तैयार किया है कि क्या कहना। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।